यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे काम दिया है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भलीभांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे काम दिया है। भाइयों बहनों, इस उपेक्षा में लाखों करोड़ों जन भावनाओं के अपमान का भाव छिपा था। इसके पीछे पिछली सरकारों का निहित स्वार्थ था। लेकिन भाइयों और बहनों, ये लोग हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाए। वो ये भूल गए कि आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्तिपुंज है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी गौर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई।